मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना ने पीएम मोदी पर तीखा वार किया। सामना में दावा किया गया कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से इस कदर डर गई है कि उसने रसोई गैस के दाम 200 रुपए कम कर दिए। सामना ने लिखा कि जैसे जैसे इंडिया की बैठकें बढ़ेंगी वैसे वैसे मोदी सरकार चीजों को सस्ता करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। 3 साल के भीतर रसोई गैस की कीमत 1103 रुपए तक जा पहुंची थी। इंडिया गठबंधन का जोर बढ़ते ही वह नीचे आ गई। सोचिए जब भारत सत्ता में आएगा तो क्या होगा। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सामना ने लिखा, यह लोगों की तीव्र नाराजगी है। लोगों की नाराजगी की चिंगारी से ही इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी अचानक ही विश्व गुरु बन गए। वह ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, लेकिन वहां पर मेजबान देश चीन के राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग की खातिरदारी में व्यस्त था और हमारे प्रधानमंत्री को कोई खास महत्व नहीं मिला। यह धक्कादायी बात रही। मोदी ने राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग से वहां मुलाकात की और चीन द्वारा लद्दाख में की गई घुसपैठ पर नाराजगी जताई, लेकिन मोदी के मुड़ते ही चीनियों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। सामना ने आगे लिखा कि चंद्रयान 3 चांद पर जहां उतरा उस भूमि को प्रधानमंत्री ने शिव शक्ति नाम दिया है, लेकिन चीन ने लद्दाख तोड़ दिया, अरुणाचल पर दावा ठोका है। भारत माता की कमर इस तरह तोड़ी जा रही हो तो फिर चांद पर की जमीन की क्या कीमत। चांद पर जब जाना होगा तब जाएंगे, लेकिन पहले चीन की घुसपैठ रोकिए। 200 रुपए गैस सिलेंडर सस्ता करने में चीन की घुसपैठ का विषय पीछे चला जाएगा। ऐसा यदि मोदी सोच रहे होंगे तो यह गलत है। इंडिया गठबंधन की वजह से देशभक्ति की यह चिंगारी उठी है और भाजपा की तरह यह ढोंगी देशप्रेम नहीं है। मणिपुर आज भी जल रहा है। हरियाणा में भाजपा के लोगों ने आग लगाया। संपूर्ण देश में आग भड़का कर इन्हें चुनाव कराना है, लेकिन इंडिया गठबंधन यह कुटिल साजिश सफल नहीं होने देगा। इंडिया गठबंधन की एकता धीरे धीरे मजबूत हो रही है। 27 पार्टियां एकजुट हुई हैं और उनमें कोई भी ईर्ष्या नहीं है। विपक्षी नेताओं का हौसला बढ़ाते हुए सामना ने आगे लिखा कि राहुल गांधी को देश भर में प्रतिसाद मिल रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की और शरद पवार की राष्ट्रवादी की आंधी चल रही है। ईडी सीबीआई से न तो घबराना है और न ही उनके सामने झुकना है। हम जेल जाने को तैयार हैं। दम हो तो डालकर दिखाइए। ऐसी हिम्मत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिखाई है। यही इंडिया गठबंधन की सफलता है। देश में कानून का राज नहीं है। मणिपुर, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में लोकतंत्र नहीं है। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा कम की जा रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से भय का साम्राज्य खड़ा कर दिया गया है। देश से यह भय का साम्राज्य उखाड़ फेंकने के लिए ही इंडिया गठबंधन के कदम मजबूती से पड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.